फ्रेंड, आज मैं आपको सिंपल सलवार की कटिंग वे स्टिचिंग बताऊंगी। अभी देखिए, जिसके लिए मैंने सलवार के लिए मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा मेरा 2.5 मीटर है। ये जो मैंने सलवार के लिए कपड़ा लिया है वो मेरा 2.5 मीटर है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सलवार बताऊंगी। अभी देखिए, कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है, 2 फोल्ड में है मेरा कपड़ा, 1 और 2। सबसे पहले हम सलवार में से अपनी बेल्ट निकालते हैं। सबसे पहले मैं इसमें से बेल्ट निकालूंगी सलवार की। ये देखिए, लंबाई लूंगी मैं इसकी 20 इंच। मैं एक स्लिम साइज लड़की के लिए बना रही हूँ, उसके बच्ची के लिए, तो इसी वजह से मैं थोड़ी हेल्दी के लिए बनाती इसको तो 22 इंच लेना पड़ता मुझे इसकी बेल्ट की लंबाई। और मैं इसे 20 लूंगी, और जो मैं इसकी चौड़ाई लूंगी वो लूंगी मैं 9 इंच। ठीक है, 9 इंच लूंगी मैं इधर से। ये देखिए मैंने इधर से 9 इंच पे अपनी मार्किंग कर ली है। अब मैं इधर से भी अपनी 9 इंच पे ही मार्किंग करूंगी। ये देखिए, अब मैं इस पे सीधी मार्किंग करूंगी। ये देखिए, सबसे पहले हम अपनी बेल्ट कट करते हैं। अब ये देखिए, मैंने अपनी सीधी मार्किंग कर ली है। मैंने 9 इंच इधर से लिया, 9 इंच ही मैंने इधर से लिया है। मैं इसको सबसे पहले मैं अपनी बेल्ट कट करूंगी। ये देखिए, पहले मैं अपनी बेल्ट कट कर लूंगी। अभी देखिए, अब मैंने अपनी बेल्ट कट कर लिया। मैं आपको पार्ट कट करने बताऊंगी। पार्ट मुझे इस प्रकार से कट करने होते हैं। ये देखिए, पहले मैं अपनी इसकी 33 इंच की मैं लंबाई लूंगी। पार्ट की जो हम पार्ट की लंबाई लेते हैं वो हम 33 इंच लेते हैं। ये देखिए, मैंने 33 इंच की लंबाई ली है इधर से। अब मैं इस कपड़े को फिर 4 फोल्ड में कर लूंगी। ये देखिए, मैं बेल्ट कट की थी वो तो मैंने 2 फोल्ड में की थी, और मैं इसे 4 फोल्ड में करके इसको बराबर अच्छे से सेट करके तब मैं इसमें से 8 इंच लूंगी इधर से। ये देखिए, 8 इंच लेना है मुझे। अभी देखिए, मैंने ये अपने पार्ट मुझे कपड़ा अच्छे से सेट करके रखना पड़ता है, ताकि हमारा थोड़ा बहुत नीचे नीचे हो जाए तो हमारी बात खराब हो जाती है। देखिए, मैंने 33 इंच पे इधर से मार्किंग कर ली है। मेरी इधर से 33 इंच है ये। मुझे ये टोटल अपनी पूरी सलवार की लंबाई मुझे ये 39 इंच रखनी है। इस वजह से मैंने ये 33 इंच लिया, इधर से पार्ट लिए हैं जो मैंने अपने 33 इंच लिए है। और मैं आधा इंच सिलाई के लिए लूंगी उसमें से, और आधा इंच में से बेल्ट के लिए लूंगी ऊपर से, जो हम कपड़ा फोल्ड करते हैं 2 इंच में मोहरी, जो हम नीचे मोहरी बनाते हैं उसमें, तो 2 इंच कपड़ा जो मैं लूंगी वो मैं उधर लूंगी, जहां हम नेफा में डोरी डालते हैं उधर हमें 2 इंच कपड़ा फोल्ड करना पड़ता है उधर से, तब हमारी डोरी डलती है। अब ये मैंने 33 इंच लिया इधर से। अभी देखिए, मैं अपने पार्ट कट करूंगी। बाद में जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है 8 इंच, वो भी मैं आपको बताऊंगी। 8 इंच छोड़ के फिर मैं उसे बाद में कट करूंगी 8 इंच। पहले मैं इधर से अपनी 33 इंच पूरी लंबाई कट कर लूंगी। अभी देखिए, मुझे इधर से 8 इंच निकालना है। ये जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये मेरे नीचे की तरफ जो हम मोहरी बनाते हैं उसमें आ जाएगा। ये उसमें ले लेंगे हम इसको। ये देखिए, 8 इंच लेना है मुझे। इधर से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं निकाल दूंगी। अभी देखिए, ये मैंने 8 इंच के पार्ट कट कर लिए हैं। जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं अपने पार्ट अलग करूंगी। ये मेरे बंद की साइड है, और ये मेरे खुले की साइड है। ये देखिए, मुझे कपड़ा इधर से कट निकालना है। अगर हम इधर से कपड़ा कट कर देंगे तो ये मेरे 4 पार्ट हो जाएंगे। मुझे कपड़ा इधर से कट करना है। मुझे ये 2 पार्ट हमारे सलवार में लगते हैं, जो 2 पार्ट ही लगते हैं, तो मैं कपड़ा इधर से कट करूंगी। ठीक है, कपड़ा मुझे इधर से सीधा कट करना है, ना कि इधर से। अब मैं इसको सीधा कट करके तैयार कर लूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने पार्ट कट कर लिए हैं। देखिए, मेरे 2 पार्ट हैं। सलवार हम कोई भी बनाए या कैसी पटियाला बनाए, कोई भी, उसमें पार्ट 2 ही लगते हैं। अभी देखिए, मैंने 2 पार्ट कट कर लिए। अब मैं अपनी कली कट करूंगी।
कली हम किस प्रकार से कट करते हैं। जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये जो मेरे पार्ट में से एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है, इसे मैं मोहरी बनाऊंगी, जो नीचे उसमें यूज करूंगी। ठीक है, अब मैं आपको अपनी कली कट करनी बताऊंगी कि हम कली किस प्रकार से कट करते हैं। अभी देखिए, अब मैं अपनी कली कट करूंगी। कली कट करने के लिए मुझे टू फोल्ड में कपड़ा रखना पड़ता है। अपने टू फोल्ड में मैंने ये कपड़ा रखा है। अब ये देखिए, कली के लिए मुझे किस प्रकार से अपनी मार्किंग करूंगी। कली के लिए मैं इधर से लूंगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं अपना आसन होता है जो हमारा, उसके लिए मार्किंग करूंगी मैं। वो मैं अपनी 8 इंच ले रही हूँ, इधर से 8 इंच और इधर से भी 8 इंच। ये देखिए, मैंने 8 इंच इधर से लगा लिया, इधर से भी। अब मैं आपको एक बात और बता दी, ये देखिए जो मेरी है, जो मैं जैसे कि मैंने अपने पार्ट की लंबाई ली थी 33 इंच, और मुझे 8 इंच इधर से मार्किंग करके अपनी 8 इंच आसन के लिए छोड़ के इधर से मुझे इसे 33 इंच होना चाहिए हमारा। कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितने हमारे पार्ट की लंबाई होती है उसी अनुसार हमारी ये कली की भी इतनी ही लंबाई होनी चाहिए। देखिए, मेरी ये 33 इंच है, मैंने 8 इंच आसन के लिए छोड़ के इधर से, और 33 इंच मैंने इधर से ले लिया है। अब मैं इधर से सीधी मार्किंग करूंगी, ये देखिए इस निशान से, और मैं इस निशान को तक इसको मिला दूंगी और इसको मैं सीधा कट कर लूंगी। अभी देखिए, मैंने मार्किंग इधर से क्लियर कर ली है पूरी सीधी। मुझे जो मैंने 8 इंच इधर से लिया था और 8 इंच मैंने उधर से लिया था, तब मुझे इस पे सीधी मार्किंग करनी है। अब मैं इसे कट करूंगी और फिर मैं इधर से, ये मेरी चार कली होती है जो हम अपनी सलवार में लगाते हैं, वो चार कली वाली सलवार बता रही हूँ मैं आपको। और ये जो मेरा इधर से कपड़ा ज्वाइंट है, इसको मैं अलग कर दूंगी, तब मेरी ये चार कली हो जाएंगी इधर से। अब मैं इसको इधर से कट कर लूंगी। ये देखिए, जैसे जैसे मैंने आपकी अपनी मार्किंग की थी सीधी, ऐसे ही मुझे ये कपड़ा कट करना है। अभी देखिए, मैंने इसको अलग कर दिया है, जो मैंने अपने निशान लगाया था 8 इंच इधर से, मैंने उसको अलग कर दिया है कली को। अब मैं अपनी आसन की साइड अलग करूंगी। ये देखिए, मेरे आसन की साइड होती है, इसको भी मैं अलग कर लूंगी। अभी देखिए, ये जो मैं अपनी कली, जो मेरी ज्वाइंट है इधर से कली, वो मुझे अलग करनी है। वो मुझे इस प्रकार से, ये जो मेरी इधर से है ऐसे मिला के, तब मुझे ये बराबर कट करनी होती है। इधर से मैं इसको कट करूंगी, ये देखिए ऐसे मिला के इसको बराबर, तो हम इसे कट करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, अभी देखिए मैं इसको ऐसे ही सीधा कट कर लूंगी। ये सिंपल सलवार बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं आपको, मैक्रेम वगैरह, और मैं आपको सिलाई की भी आइटम बताती रहूंगी हर रोज। अभी देखिए, मैंने अपनी कली भी अलग कर ली है और ये मेरी चार कली हो गई। मैंने इस तरह इधर से भी कट कर लिया इधर इसको। अभी देखिए, ये मेरे पार्ट हो गए और बेल्ट हो गई, और जो मैंने आपको बताया था मोहरी के लिए, जो मेरा ये आसन में से कपड़ा इसमें से बचा था। अभी देखिए, जो मेरा कपड़ा इधर से बचा था, उसे मैं अपनी मोहरी में यूज करूंगी। अब मैं आपको इसे सिल के बताऊंगी किस प्रकार से मैं इसे सिलूंगी। अभी देखिए, मैं आपको अपनी कली जोड़ना बताऊंगी। ये जो मेरी कली इधर से आसन की साइड से, मुझे अभी कली नहीं जोड़नी है। ये देखिए, कली इधर से नहीं जुड़ती। इधर से जो हमारी इधर से सीधी कपड़ा होता है, इधर से ये सीधा, उधर से हम एक पार्ट में दो कली ज्वाइंट करते हैं इस प्रकार से। ये मेरा एक पार्ट हो गया और ये मेरी कली हो गई। इसी पार्ट में मैं दो कली ज्वाइंट करूंगी, एक तो मैं इधर से कर लूंगी, और जो मेरा दूसरा हिस्सा है इधर से, और दूसरी कली मैं इधर से ज्वाइंट करूंगी। कली मुझे इस प्रकार से ज्वाइंट करनी होती है। ये देखिए, इधर तक ये मेरी सीधी है और मेरा पार्ट का भी इधर से सीधा है। अब मैं इसे सिल के बताऊंगी आपको। ये देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हम अपनी चारों एक पार्ट में दो कली ज्वाइंट करेंगे, जो बस सीधी सीधी सिलाई लगानी है। इधर से हमें ये आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के चलना है। ये देखिए, सीधी सीधी सिलाई लगानी है मुझे इससे। देखिए, कपड़े को ऐसे बराबर बराबर पकड़ के, और तब हम इसे सिलाई लगानी है। ऐसे ही मैं अपनी सीधी सीधी सिलाई लगाऊंगी। इसमें मुझे एक पार्ट में दो कली ज्वाइंट करनी पड़ती है। सलवार हम कोई भी सिले, उसमें पार्ट दो ही होते हैं। कली सलवार को जो बनाते हैं, उसमें कली कितनी लगा।
छह कली की भी सलवार होती है, सॉरी वो सेमी पटियाला होती है छोटी कली की, तो हम छोटी कली की बनाते हैं। अभी देखिए ऐसे ही मैं सीधी सीधी सिलाई लगाऊंगी कपड़े को बराबर बराबर करके। जो हम अपनी कली काटते हैं वो हमें 33 इंच लेनी पड़ती है, जितना लंबाई हमारी पाट की होती है उतनी हमें कली की लेनी पड़ती है। ठीक है, ये देखिए मेरी इधर से ये बराबर आ गया है, ऐसे ही बराबर बराबर पकड़ के। मैं आपको हर चीज बताती रहूंगी, मैक्रेम का भी और सिलाई का भी। ये देखिए मैंने एक कली और एक पार्ट अपना ज्वाइंट कर लिया है, मैं पार्ट में दूसरी कली ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए मेरी दूसरी कली है, इसको भी मुझे सीधा ही रखना है, ऐसे सीधे की तरफ से मुझे अपनी कली लेनी पड़ती है। ये देखिए इस पे भी मैं ऐसे ही सीधी सिलाई लगा के मैंने इसकी अपनी ज्वाइंट करके और दूसरे वाले पैर की भी मैं दोनों ज्वाइंट करके इसे तैयार कर लूंगी। फिर मैं आपको सिलना बताऊंगी कि मैं इसे किस तरीके से बाद में सिलूंगी। ये देखिए मुझे इस पे भी ऐसे ही सीधी सीधी सिलाई लगानी है। ये मैं अपनी दूसरी वाली कली ज्वाइंट कर रही हूँ, एक पार्ट में दो कली ज्वाइंट कर रही हूँ, दूसरी वाली कली ज्वाइंट कर रही हूँ। ऐसे ही कपड़े को बराबर बराबर पकड़ के हुए चलना है, ऐसे ही तो हमें अपनी सिलाई लगानी होती है इस पे। मैंने अपनी कली सिल के तैयार कर ली है दोनों तरफ से। मैंने ये कली भी एक दोनों कली मैंने इस पार्ट में अपनी जोड़ ली है और इधर भी, और बीच में मैंने अपना ये आसन था जो मेरा, ये मैंने इधर से ज्वाइंट कर लिया है। देखिए मैंने इस पे एक सही सिलाई लगा के मैंने एक तरफ से ही आसन ज्वाइंट किया है, अभी मुझे दूसरी तरफ से आसन ज्वाइंट तब करना है, तब मैं अपने बेल्ट में प्लेट डाल के तैयार कर लूंगी, तब मुझे इसमें आसन ज्वाइंट करना है। अब ये देखिए जो मेरी 20 इंच की बेल्ट थी वो भी मैंने इस तरह से 2 इंच कपड़ा मैंने इधर से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इस पे मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं आपको प्लेट डालनी बताऊंगी कि मैं इसमें किस तरह से मैं इसमें प्लेट डालूंगी। ये देखिए ये मैंने इस पे मैं अपनी बेल्ट तैयार कर ली है। मैं इस पे 11 इंच मैंने इधर से लिया है जिसमें मैं अपनी प्लेट डालूंगी। 11 इंच मैंने इधर से कट कर लिया है, एक कट लगा दिया है मैंने इधर से, और 11 इंच मुझे इधर से जो मेरा 20 सेंटर है इधर से, ये देखिए जो मेरा 20 सेंटर है इस पे बैक साइड में हमारी ये दो प्लेट आती है, मैंने इधर भी कट लगा लिया है। अब मैं अपनी प्लेट डालूंगी, प्लेट मुझे इस तरीके से डालनी है, इधर तक मुझे अपनी प्लेट डालनी है 11 इंच तक, जो मैंने अपनी ये मार्क निशान लगाया इधर से मैंने कट लगा दिया है एक 11 इंच तक, इधर तक मुझे अपनी पूरी प्लेट डालनी है। अभी देखिए मैं अपनी प्लेट डालूंगी ऐसे ही, प्लेट मुझे कपड़ा मुझे आधा है 1 इंच के बराबर प्लेट में लेना होता है, ऐसे ही पहले मैं अपनी तरफ को प्लेट डालूंगी। पहले मैं इधर से प्लेट डाल रही हूँ इधर की तरफ, और फिर मैं इधर की तरफ प्लेट डालूंगी। ठीक है, दूसरे वाले पीस में जो मैंने दूसरी तरफ 11 इंच का लगाया है उसमें मैं इधर की तरफ प्लेट डाल रही हूँ। ये देखिए ऐसे ही एक एक प्लेट आधा या 1 इंच के बराबर प्लेट डालते हैं हम अपनी सलवार में। जो प्लेट डाल जो नीचे वाले बेल्ट का कपड़ा है वो मुझे ऐसे टाइट खींच के रखना पड़ता है नीचे से, और ये ऊपर वाला मुझे लूज रखना पड़ता है। देखिए ऐसे ही प्लेट बना बना के इस तरीके से मैं इसमें, देखिए ऐसे ही बराबर बराबर प्लेट बनाते हुए चलना है और ऐसे ही सिलाई लगाते हुए चलना है मुझे। ये देखिए प्लेट आप अपने हिसाब से लें, बड़ी भी लें छोटी भी लें। ये देखिए मैं नॉर्मल साइज ले रही हूँ प्लेट का। ये देखिए इस तरीके से मुझे इसमें प्लेट डालनी होती है ऐसे बराबर बेल्ट से, बेल्ट को ऐसे खींच के रखना होता है। अब ये देखिए मैंने इधर से ये प्लेट डालनी है अपनी,
फिर जैसे जैसे मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से मैंने अपनी प्लेट डाली है और मुझे सीधी सिलाई लगानी है पहले से। मेरी प्लेट डाल के तैयार है। अभी देखिए जो मेरा ये बी सेंटर पे मैंने ये अपना ये बी सेंटर पे अपना ये कट लगाया था एक, और मुझे उधर भी एक प्लेट डालनी है। मुझे इधर से ये जो मेरा कपड़ा है इधर से ये मैंने मुझे इधर से ये बराबर लेना होता है हमको ये इधर से। हमें इधर भी एक अपनी एक प्लेट ये देखिए इधर से ऐसे प्लेट को करके ये बी सेंटर पे हमें ये बराबर रखना होता है अपना। अभी देखिए ये मेरा इधर से बराबर आ गया है और बेल्ट को हमें इधर से खींच के रखना है इधर से भी। मैंने इधर से प्लेट मुझे इधर की तरफ प्लेट बनानी है ये देखिए ऐसे इधर से भी मैं एक प्लेट डालूंगी अपनी इस तरीके से। और मैं जो मैंने 11 इंच का निशान था उधर तक मैं इस पे सिलाई लगा दूंगी सीधी। ये देखिए मेरा 11 इंच मैंने इधर से पहले मैं इस पे सिलाई लगा लूंगी तब मैं अपनी प्लेट डालनी शुरू कर दूंगी। अभी देखिए मेरा 11 इंच इधर से आ गया है और मैं फिर से अपनी प्लेट डालूंगी। ये देखिए प्लेट मुझे अब इस तरह से डालनी है इधर की तरफ ठीक है। मैं पहले मैंने उधर से प्लेट डाली थी अब मुझे इस तरीके से अपनी प्लेट डालनी है ऐसे ही। ऐसे कपड़े को बराबर बराबर करके तब हमको ये प्लेट डालनी होती है अपनी। ऐसे ही जैसे मैंने उधर से प्लेट डाली थी ऐसे ही मैं इधर से भी डाल के तैयार कर लूंगी। देखिए मैंने ये अपनी प्लेटें डाल के तैयार कर ली हैं। अब मैं इसकी मोरी बनाऊंगी नीचे की तरफ। मोरी हम इस प्रकार से बनाते हैं, जो मोरी बनाते हैं मैंने उसका कपड़ा भी कट किया हुआ है। अभी देखिए पहले हम सीधे कपड़े की तरफ से जो हमारा ये सीधा कपड़ा है इधर से हम पहले हम कपड़े को रखेंगे ऐसे बराबर और फिर हम बुकरम को रखेंगे। बुकरम भी मैंने अपने हिसाब से मोरी बना सकते हो आप, चौड़ी ज्यादा पहनते हो तो ऐसे कट कर सकते हो। मैं नॉर्मल बना रही हूँ। अभी देखिए मैं इस पे सीधी सिलाई लगा दूंगी। ऐसे ही पहले हम कपड़े को रखते हैं और फिर बुकरम को रखते हैं। देखिए ऐसे ऐसे ही जो पांचे में आप डिजाइन देना चाहते हो वो सिलाई से वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अभी देखिए मैंने इसको सिल लिया है। अब जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं बुकरम की तरफ ऐसे रख के इसे मैं फोल्ड कर दूंगी ऐसे ही। ऐसे बुकरम की इसे हम कट नहीं करते हैं ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं बुकरम की तरफ बुकरम के ऊपर ऐसे ही इसे भी सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ऐसे ही कपड़ा है जो हमारा एक्स्ट्रा मैंने इसके ऊपर सिल लिया है। अब मैं अपने अभी देखिए मैंने इसे बुकरम जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने सिल लिया है। अब मुझे बुकरम को ऐसे इधर से मुझे बहुत ही अच्छे से सेट करके तब मुझे इस पे एक सीधी सिलाई लगानी होती है जो हम अपने नीचे से मोहरी बनाते हैं। मैं इस पे एक सीधी सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए ऐसे इधर से अच्छे से पकड़ के तब हमें ये सिलना होता है। इधर से भी अब एक सिलाई में इस किनारी पे लगाऊंगी जो मैंने इधर से
मेरी आगे की वाली है, इस पे मैं अब एक सीधी सिलाई लगाऊंगी इस पे भी। और कहाँ से आप अपने डिजाइन के अनुसार बना सकते हो, सीधी सिलाई लगाना चाहते हो तो सीधी लगाएं, और कोई डिजाइन वगैरह देना चाहते हो पांचे के अंदर तो वो भी दे सकते हो। ये देखिए मैं इसको सीधी सीधी सिलाई लगाऊंगी, देखिए मैं इस पे सीधी सिलाई लगा लूंगी। मैंने अपने पांचे वगैरह सारा कुछ बना के इसमें तैयार कर लिया है, अब मुझे बस कुछ नहीं है इसमें, अब बस सीधी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए मैं अपनी सीधी सिलाई लगाऊंगी बस इसमें राउंड में पूरे में। ऐसे ही बराबर बराबर पकड़ के कपड़े को तब मैं राउंडली पूरे में सिलाई लगा के इसे तैयार कर लूंगी। अभी देखिए ये मेरी सलवार आपके सामने बन के तैयार है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये 20 इंच की बेल्ट ली और 2 इंच मैंने इसमें फोल्ड कर दिया है। ये मेरी टोटल पूरी सलवार बन के 39 इंच की है, और ये इधर से मैंने प्लेटें डाली थी, आधा एक इंच पे आप प्लेटें डाल सकते हैं। इसी प्रकार से मेरी ये बन के आई है। ये मेरी सिंपल सलवार है, और मैंने इधर से ये भी बना मोहरी मैंने अपनी ये बना के तैयार कर ली है। इसी प्रकार से मेरी ये बन के आई है। अगर आपको वीडियो समझने में फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।